चलिए आज हम बनाते हैं प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हल्का फुल्का इडली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 1 कप मूंग का दाल लिया है और ऐसे ग्राम में देखेंगे तो 220 ग्राम है। इसको हमने चार पाँच घंटा पहले भिगो के रख दिया था। देखिए ऐसे काट रहे हैं तो अच्छे से कट रहा है, बढ़िया से फूल चुका है। तो इसका हम पानी निकाल देंगे और 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे। इसका हमने पानी निकाल के 2-3 पानी धो लिया है, अच्छे से धुल चुका है। अब चलिए अब हम इसको पीसेंगे। तो मिक्सर का जार लेंगे और इसमें आधा हम डाल देंगे मूंग दाल, 2 बार में पीसेंगे, और थोड़ा सा अदरक डाल देंगे बारीक बारीक काट के, ताकि अच्छे से पीस जाए, 1 इंच है। और ये 2 हरी मिर्च है, बारीक बारीक हमने काट लिया है कि बढ़िया से पीसे, और इसको पीस लेंगे। और देखिए यहाँ हमने पानी नहीं डाला है, पीसते समय हमने 2 चम्मच पानी डाला था, पीस लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ये बाकी का जो है वो भी डाल के पीस लेंगे, सारा डाल देंगे मूंग दाल। और इसमें हम 2 चम्मच यहीं पे पानी डाल लेंगे, पीस के तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा पीस चुका है। फिर उसी बेटर में हम डाल देंगे और थोड़ा सा हम मिक्सर जार में पानी डाल के निकाल लेंगे, जो भी इसमें है ना सारा आ जाए हमारा बेटर। चलिए अब हम और भी हेल्दी बनाने के लिए डालेंगे इसमें कुछ सब्जियाँ। तो ये हमने 2 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न लिया है, थोड़ा सा हमने कूट लिया है, और 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च भी है बारीक बारीक कटा हुआ, और 3 टेबल स्पून गाजर है, ऐसे आधा गाजर था हमने घिस लिया था, डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे 1 चम्मच के करीब, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा हल्का ही डालेंगे क्योंकि इडली में हल्का नमक अच्छा लगता है। इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे अच्छा से मिक्स होने तक, और मिलाने के बाद अब हम इसको साइड कर देंगे। और इडली बनाने से पहले हम सांचे को तैयार कर लेंगे। तो पहले हम सब में लगा देंगे तेल सारे सांचे में। तो देखिए ये हमने लगा के तैयार कर लिया है। अब चलिए सबसे लास्ट में हम डाल देंगे बेटर में 1 टीस्पून इनो डाल देंगे, और थोड़ा सा इस पे पानी डालेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, और अच्छे से मिला देंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पे आपको जल्दी करना है काम, जल्दी से मिला के और तुरंत सांचे में भर देना है। अब हम इसको जल्दी से सांचे में भर देंगे, और इसको आप चाहें तो बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। रात में ही भिगो के रख दीजिए मूंग दाल को, और पीस के फटाक से बना दीजिए कुछ सब्जियां डाल के, और बहुत टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, जल्दी बन जाता है। तो देखिए ये सारा सांचे में हमने भर के तैयार कर लिया है। पानी भी हमने पहले उबलने के लिए रख दिया था, और ये पानी उबल चुका है। इसमें हम ये स्टैंड डाल देंगे और इसको ढक के पका लेंगे 15 से 16 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो पकने देते हैं। तो देखिए ये हमारा 15 से 16 मिनट पकते हुए हो गए इडली। अब गैस को बंद कर देंगे और इसका स्टीम निकलने देंगे, ठंडा होने के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ठंडा होते हुए 5-10 मिनट हो गए। इसका ढक्कन खोलेंगे, देखिए बहुत अच्छे से फूला है, ऊपर तक फूल के आया है। देखिए चाकू लगा रहे हैं ना, तो देखिए एकदम क्लीन निकल रहा है, देखिए कुछ भी बेटर नहीं लगा है, बहुत अच्छे से पका है इडली। और अब हम इसको स्टैंड को निकाल लेंगे, इसमें से अलग अलग कर देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब ठंडा हो जाएगा 5 मिनट में, उसके बाद हम सांचे में से सारा इडली को निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारी इडली ठंडी हो चुकी है, और देखिए दबा रहे हैं कितना अच्छे से फूला हुआ है। और इसको अब हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे, देखिए आसानी से निकल जाता है ऐसे, नीचे से कितना अच्छे से फूला हुआ देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया जाली बनी हुई है, एकदम स्पंजी हुआ है। तो ऐसे ही हम सारा निकाल लेंगे सांचे में से। तो देखा आपने कितना जल्दी से बन गया आसानी से, और बहुत टेस्टी लगता है। आप कोई भी चटनी के साथ खाइए जो आपको पसंद है, या फिर सांभर के साथ, बहुत मस्त लगता है। आप बच्चों को टिफिन में दे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मूंग दाल है और बहुत सारी सब्जियां भी है, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए ऐसे दबा के दिखा रहे हैं कितना स्पंजी बना हुआ है, देखिए अंदर से भी तोड़ के दिखाते हैं, एकदम सॉफ्ट जालीदार इडली बनके तैयार है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, और हमें कमेंट में बताएं कि ये इडली की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।